महेंद्र सिंह मैं महेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अटूट रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। महेंद्र सिंह ठाकुर ये भी मंडी के धर्मपुर से चुनाव जीत कर आए हैं और 1990 से लगातार सातवीं बार विधायक बने हैं। इनके नाम एक बहुत दिलचस्प गिनीज बुक का रिकॉर्ड है, 5 अलग अलग पार्टियों से जीतने का। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करीबी समझे जाते हैं और 2007 की धूमल सरकार में परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। 2003 में वीरभद्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, आर्मी का बैकग्राउंड है। 1969 में डोगरा रेजिमेंट में शामिल हुए थे और 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई का हिस्सा भी रह चुके हैं। महेंद्र सिंह, उन्होंने शपथ ली अभी अभी, अगले मंत्री का नाम पुकारा जाएगा। श्री किशन कपूर। किशन कपूर। मैं किशन कपूर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किशन कपूर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। किशन कपूर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार में। इस किस्म की शपथ ग्रहण में और जो कल अपने गांधीनगर भी देखा है कई राज्यों में, एक अंतर ये भी वांकेड़े जी जरूर है कि यहाँ आम लोगों को मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री को देखने का। आमतौर पर सभास्थल तक आम आदमी नहीं पहुँच पाता, कार्यकर्ता ज़्यादा होते हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच ये जगह है इसलिए बहुत सामान्य लोग भी यहाँ पर होंगे। राज्य भी छोटा है, ये भी देखिए आप, गुजरात बहुत बड़ा, एक हिमाचल के हिसाब से राज्य बहुत बड़ा है गुजरात। हिमाचल से तो मुझे लगता है सारे लोग आ भी गए होंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत है यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्योंकि लोकप्रियता इतनी है और सबसे बड़ी चीज है जो आपको भरा ज्यादा दिख रहा है। हम सुरेश भारद्वाज ईश्वरस्य शपथं गृह्णामि यदहं विधि द्वारा संस्थापित भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा प्रकटयिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताया तथा च अखंडताया मर्यादां रक्षयामि। हिमाचल प्रदेश राज्यस्य मंत्री रूपेण सभी कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं एवं शुद्ध अंतःकरणेन निर्वहं करिष्यामि तथा च भयं अथवा पक्षपातं, अनुराग अथवा द्वेषं विना अहम सर्व
विधि न जनाना कृत संविधानानुसरेण तथा च विधि अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम सुरेश भारद्वाज ईश्वरस्य शपथं गृह्णामि यत या विषय हिमाचल प्रदेश राज्यस्य मंत्री रूपेण मम विचारार्थ अगिष्याति अथवा अगामिष्यति अथवा अहम् ज्ञास्यामि तदहम् कमपि जनम् अथवा जनाना तद्वस्थाम् विह अहम् मंत्रीरूपेण स्वीयानां कर्तव्यानां सम्यक् निर्वहनार्थम् अपेक्षितं भवेत्। अन्यथा वस्थाम् अहम् प्रत्यक्षेन परोक्षरूपेण न संसूचयिष्यामि अथवा न प्रकटिष्यामि। धन्यवाद। सुरेश भारद्वाज, जैसा हमारे मेहमान बता रहे थे, काफी लोकप्रिय हैं, शिमला शहरी सीट से जीत करके आए हैं। इससे पहले 1990, 2007, 2012 में विधायक बन चुके हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, उनका बैकग्राउंड है, राज्यसभा के सांसद रहे, काफी वरिष्ठ नेता हैं, हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुरेश भारद्वाज ने शपथ ली। आप देखिए, प्रधानमंत्री अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने के बीच में वहां पहुंचे थे, उनके पहुंचने पर भी एक शोर गूंजा था लोगों के बीच में। फिर ये तस्वीर को आप जितनी बार भी देखें उतनी आकर्षक लगती है। एक तो एक वो जो स्ट्रक्चर बना उससे एक अलग रिचनेस आती है पिक्चर में, बिल्कुल। बाकी जगह सब मैनमेड पेंडल्स दिखते हैं, यहाँ ही ऐसा बिल्कुल बना बनाया लग रहा है बहुत। हाँ, मैं अनिल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल शर्मा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। जी, तो इनके इनके बारे में बताने लायक दो बातें आपने बताई। एक तो ये सुखराम के बेटे हैं, सुखराम जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था टेलीकॉम घोटाले में आज से कई बरस पहले, और दूसरे ये सलमान खान की जो बहन हैं, इनके बेटे उनके पति हैं। जी, काफी चर्चित चेहरा है सलमान खान के बहन के ससुर। सलमान खान की बहन के ससुर। तिरंगा लहरा रहा है इस वक्त शिमला मैदान पर। अनिल शर्मा ने अभी शपथ ली है। मैं सरवीन चौधरी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सरवीन चौधरी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विश्व
हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समर्थ निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरवीन चौधरी दो बार की विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने अभी शपथ ली और इस मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला चेहरा है। सरवीन चौधरी कांगड़ा जिले की शाहपुर सीट से चुन करके आई हैं। ज्यादा मंत्री है नहीं, कई मंत्री शपथ ले चुके हैं। भव्य समारोह शिमला में इस वक्त देखने को मिल रहा है, खूबसूरत शिमला और रिज मैदान, हजारों लोगों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और अभूतपूर्व तैयारियां इस बार की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने वाले अगले व्यक्ति का नाम अब पुकारा जा रहा है। श्री रामलाल मारकंडा। श्री रामलाल मारकंडे अब चुनाव शपथ लेंगे। मैं डॉक्टर रामलाल मारकंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय व पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर रामलाल मारकंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामयिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुसंचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। रामलाल मारकंडा मंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। हम सब लोग कभी ना कभी पहाड़ों पर घूमने जरूर जाते हैं तो सब महसूस करते होंगे पहाड़ों का जीवन जो होता है आमतौर पर बाकी मैदानी इलाकों से थोड़ा और कठिन होता है। हर चीज़ के लिए थोड़ा और परिश्रम आपको करना पड़ता है और ये चीज़ वहाँ की सरकार के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती होती है क्योंकि विकास परियोजनाओं को घर घर तक पहुँचाने में बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अशोक मांकड़े जी, और ये काम निरंतर प्रक्रिया है चाहे सरकार बदले। और दूसरी बात है कि जो पहाड़ों के राज्य है वहाँ टूरिस्ट फ्लो इतना होता है कि यदि उनकी पॉपुलेशन देखा जाए और फ्लोटिंग पॉपुलेशन देखा जाए। मैं विपिन सिंह परमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपिन सिंह परमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अलग अलग टोपियों की बात की है
लेकिन हिमाचल के लोगों की एक खासियत और है कि वो टोपी भले ही पहनते हो, पहनाते नहीं किसी को। तो आपको वहाँ ऐसे मामले कभी मिलेंगे कि जो लोग एक दूसरे के साथ भ्रष्टाचार करते या ठगते, जो ठगाई का जो ये है कंसेप्ट, वो बिल्कुल आपको हिमाचल में नहीं मिलेगा। पहाड़ों में बहुत कम होता है, डाउन टू अर्थ हिमाचलियन होते हैं, शांत होते हैं, झगड़ा करना बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी पूरी शांतिपूर्ण तरीके से बीत गए। वीरेंद्र कंवर, मैं वीरेंद्र कंवर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं वीरेंद्र कंवर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समेक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। इंद्र कंवर ऊना से आते हैं, 2003 से लगातार विधायक चुने गए हैं, और जैसा अभी अकूजी बता रहे थे, उन तीन विधायकों में से हैं जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया था और प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते थे। तो ये किस गुट के हैं ये तो जाहिर है, अब ये इनके मंत्री बनने से क्या प्रभाव पड़ता है जरूर देखना होगा। इन सब बातों का भी ख्याल रखना मंत्रिपरिषद का गठन करते हुए बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल, खासतौर से तब जब बहुत छोटा मंत्रिपरिषद हो, विधायकों की संख्या कम हो, सीमित लोग मंत्री पद में। मैं विक्रम सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विक्रम सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के स्वयं निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। विक्रम सिंह दो बार के विधायक, 2000 में ये भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इन्होंने भी आज शपथ ली। बीजेपी की पूरी लीडरशिप वहां इस वक्त मौजूद है। जयराम राज आज से शुरू हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं तो उसमें रामलाल जी आगे बैठे हुए हैं, जबकि योगी और मुख्यमंत्री, चाहे वो प्रमुख राज हो चाहे नहीं हो, वो पीछे बैठे हैं। यानी पार्टी को वरीयता, पार्टी को वरीयता दी गई है ये भी। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री जो होते हैं वही मुझे लगता है सबसे ताकतवर और सबसे। गोविंद सिंह, ईश्वर से शपथम गृहामि यदहम विधि द्वारा संस्थापितम भारतस्य संविधानम प्रति श्रद्धाम एवं निष्ठाम प्रकटिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताया तथा च अखंडताया मर्यादाम रक्षिष्यामि। हिमाचल प्रदेश राज्यस्य मंत्री रूपेण स्वीय कर्तव्यानाम श्रद्धापूर्वकम एवं शुद्धांत करणेन निर्वहणम करिष्यामि, तथा च भयम अथवा पक्षपातम अनुरागम अथवा द्वेषम
बिना अहम सर्वविधा नाम जनानाम कृते संविधानानुसारेण तथा च विधि अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम गोविंद सिंह ईश्वरस्य शब्दं गृह्णामि यत यः विषयः हिमाचल प्रदेश राज्यस्य मंत्री रूपेण मम विचारार्थ आगमिष्यति अथवा अहम ज्ञास्यामि तदहं कमपि जनम अथवा जनान तदवस्थां विहाय अहम मंत्री रूपेण स्वीयानां कर्तव्यानां सम्यक निर्वहणार्थम् अपेक्षितं भवेत्। अन्य अवस्थायां अहम प्रत्यक्षेण प्रोक्ष रूपेण न संसूचयिष्यामि अथवा न प्रकटयिष्यामि। धन्यवाद। गोविंद सिंह ठाकुर मंत्री बने और ये इनको हिमाचल के बाहर शायद लोग जानते हो न जानते हो, लेकिन ये जिस सीट से आते हैं उसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। मनाली सीट से विधायक बने हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर आ रहे हैं। हिमाचल के पूर्व मंत्री कुंजलाल ठाकुर के बेटे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं। एक और मंत्री ने शपथ ली, गोविंद सिंह ठाकुर मनाली से विधायक चुनकर के आए। बार फिर आप देखिए ये रिज मैदान की खूबसूरत तस्वीरें और जहां भी आपको नजर जाएगी अचाकच भरे लोग ही दिखाई देंगे। डॉक्टर राजीव सहगल का नाम पुकारा गया। मैं डॉक्टर राजीव सहजल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजीव सहजल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। राजीव सहजल कसौली से चुनाव जीत करके आए हैं। जैसा हमारे भी मेहमान बता रहे थे, कसौली अंग्रेजों के ज़माने में समर कैपिटल का काम किया करती थी और अपने आप बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तीसरी बार जीते हैं, ये भी लगातार तीसरी बार जीते हैं। अकू जी कह रहे थे कि इस बार आपको लग रहा है कि सभी पुराने चेहरों को, जिसे ओल्ड हैंड्स कहते हैं, सबको आजमाया इस बार मंत्रिपरिषद में बीजेपी ने। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जिस तरीके के मतलब कोई भी ऐसा विधायक नहीं मंत्री बनाया गया जो पहली बार हुआ हो और उसको बना दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब लोग मतलब एक 50 के आसपास वाली उम्र के लोग हैं वो ज्यादा अपने। एक खासियत और है कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं कि जिन्होंने संगठन में काम किया है या अभी ज्यादातर और अभी संगठन में या कोई पद पे है, तो जो सरकार और संगठन के बीच में जो हमेशा चलता रहता है। इसके गवाह बने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री की शपथ किसी व्यक्ति ने ली है, जयराम ठाकुर और उनके मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रिमंडल का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। हिमाचल में आज नया मंत्रिमंडल बन चुका है और इसकी ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये देखिए जो अंदाज है हिमाचल का, वो अंदाज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी के तमाम नेता लाल टोपी लगाते हैं और कुछ उसी तरीके की हिमाचली लाल टोपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले शपथ ग्रहण हुआ है, हिमाचल में आज से जयराम की सरकार बनी है और उन्हें
आज इस मौके पर बधाइयां देने के लिए और इस मौके को और खास बनाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, 3 उप मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम दिग्गज यहां मौजूद रहे और कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और उन्होंने अभिवादन किया। और ये देख सकते हैं आप कि अब हिमाचल के मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर ने ये मोमेंटो, ये टोकन देकर भेंट प्रधानमंत्री को दी और खुशी जाहिर की, धन्यवाद अदा किया। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नाम या बड़ी लहर जिसकी वजह से हिमाचल फतेह की बीजेपी ने। तो ये लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं शिमला में, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ है और उसके बाद अभिनंदन कर रहे हैं नया मंत्रिमंडल जो हिमाचल को मिला है। आपको बता दें जयराम ठाकुर जिनके सिर सजा है हिमाचल के सीएम का ताज, और वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी वहां पर मौजूद, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ मंत्रिमंडल को दिलाई।